विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड 16 के पूर्व भाजपा पार्षद अश्विन शुक्ला का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे लॉकडाउन का उल्लंघन कर लोगों को नंदबाग कॉलोनी के गोदी हनुमान मंदिर पर सुबह 4 बजे बुलाकर खाने का सामान देने को कह रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस बाणगंगा भी मौके पर पहुंची और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पूर्व पार्षद शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। CSP परदेशीपुरा निहित उपाध्याय ने बताया, हमने FIR दर्ज कर ली है। नंदबाग कॉलोनी में गोदी हनुमान वाले मंदिर पर सुबह 4 बजे पब्लिक इकट्ठा हुई, तभी पुलिस की PCR वैन आई और लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर तितर बितर किया गया। पुलिस के पहुंचते ही लोग भागने लगे, इसमें कई महिलाएं और पुरुष और बुजुर्ग भी थे। यहां लॉकडाउन का उल्लंघन तो हुआ ही, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को डंडे दिखाकर रवाना किया। पुलिस ने संबंध में थाना बाणगंगा में पूर्व पार्षद अश्विन शुक्ला, उनके साथी पप्पू ठाकुर के खिलाफ 269, 270, 271 का केस दर्ज कर लिया है। हेलो, शुक्ला जी, बोलो। भाई की मैंने आपको वो व्हाट्सएप कर दिया, आपने देखा नहीं अभी, ऑनलाइन आपने देखा नहीं वो? क्या पुलिस कहाँ का है ये? 8 नंबर डी सेक्टर का। कल अपनी बात हुई थी यार, हमने ना SSR बंद कर दिया है। हाँ हाँ। और अब सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे गोंदी के झाड़ के वहाँ से बांटेंगे, है ना? गोंदी के झाड़ के वहाँ सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे कल से क्या परसों से? कल से सुबह 4 बजे है ना? ठीक है साहब, मैंने बोल दिया था कि अभी पूछने आ रहे हैं सब, भाई आए नहीं यार। मैं कि भाई आप सबको बोल दो सुबह 4 बजे वहाँ पर आए, है सुबह 4 बजे। ठीक है सुबह 4 बजे उठ जाएंगे सब। एक मामला कुछ दिन पूर्व आजाद नगर क्षेत्र में भी हुआ था। वहां पूर्व पार्षद शेख आलिम लॉकडाउन के दौरान भीड़ लगाकर सामान बांट रहे थे। उस मामले में भी पुलिस ने 188 का केस दर्ज कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज टुडे।